नमस्कार। घड़ी को किस दिशा में लगाएं या घड़ी किस दीवार पर, किस दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए? मकसद सबका एक ही होता है, समय का सदुपयोग करना, समय के यथार्थ को पूरी तरह से उपयोगिता में लाना। बात आपको थोड़ा सा लॉजिक में समझाता हूँ। मेरा जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति पांचवें स्थान में है ना, तो मैं हर चीज को लॉजिक के हिसाब से ही समझने की कोशिश करता हूँ और समझाना ही मुझे पसंद भी आता है। तो आपको बता देता हूँ, घड़ी को राहु कहा जाता है और राहु केतु शनि देव के एजेंट हैं और शनि को काल कहा जाता है, समय कहा जाता है। घड़ी यंत्र है, टूल है और उस टूल को चलाने की शक्ति क्या है वो शनि के अंदर आती है। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव को अच्छा करने का नंबर एक उपाय, घड़ी बहुत महंगे अच्छे और सुंदर ब्रांड की लगाएं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे यदि सूर्य के साथ बैठे हैं तो ऑरेंज कलर की घड़ी, यदि चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो ब्लू कलर की, यदि बुध के साथ बैठे हैं तो ग्रीन कलर की, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र के साथ बैठे हैं तो बेज कलर की या क्रीम कलर की, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव के साथ राहु देव बैठे हैं तो आपको बहुत बड़े डायल की घड़ी, यानी कि जो बहुत बड़ी और महंगे ब्रांड की घड़ी हो वो आपको लगानी चाहिए। अब किस दिशा की दीवार पर लगाएं, जिस भाव के अंदर आपकी कुंडली के अंदर राहु देव बैठे हैं उसी भाव से संबंधित दिशा के अंदर आपको घड़ी लगाने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव भी अच्छे होते हैं, शनि देव भी अच्छे होते हैं, केतु का भी आपको अच्छा फल मिलता है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कई बार, सभी ग्रहों को चलाने की ताकत राहु और केतु में है और राहु देव को चलाने की ताकत सिर्फ बृहस्पति देव में है। और बृहस्पति देव नौवें भाव यानी कि टाइम मैनेजमेंट भाव के, धर्म के स्थान के मालिक हैं और उसके बाद कर्म की बारी आती है। आप अपने कर्म को, आप अपनी कर्तव्य को, आप अपनी जो आपको करने की ड्यूटी मिली है आप उसको कितना समय देते हैं, ये बृहस्पति और शनि और राहु केतु ही आपको अच्छा फल तब देंगे जब आप इस हिसाब से चलेंगे। आप अपने हाथ की कलाई पर भी, आप अगर महंगे ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहनते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव के अंदर पहुंच करके आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव राहु का उच्च भाव कहलाता है। ऐसे तो छठा भी है, तो पेट पर थोड़े ही घड़ी बांध लोएंगे हम, तो इसीलिए आपको अपने हाथ पर बहुत अच्छे ब्रांड की घड़ी पहननी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं राहु के साथ तो आपको डायमंड या जरकन वाली घड़ी पहननी चाहिए, यदि शनि के साथ बैठे हो तो काले रंग के स्ट्रैप की। अब मेरी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं तो मैंने काले स्ट्रैप की घड़ी पहनी है और साथ ही साथ शनि का काम हो जाता है फोकस क्रिएट करना, ध्यान क्रिएट करना पूरी तरह से। जैसे आप चील को देखते हैं वो कई किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए भी जमीन पर अपने शिकार को देख लेती है, इसी प्रकार से जब आप अपने हाथ में अच्छी घड़ी पहनते हैं तो आप अपने लक्ष्य को समय के अंदर तय करना और उसे पाना सीख जाते हैं। कैसा लगा मेरा ये इंटेंटिव वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके घर में बंद घड़ियां पड़ी रहने से राहु खराब भी हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकालिए। और ध्यान रखिए, आपकी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से लेकर के अपने जीवन को जल्दी से जल्दी सुनियोजित करिए, अच्छे से आप इसे मेंटेन करिए। और एक बात कहना चाहूँगा, आप अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन मुझसे लेने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं और आप मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दे सकते हैं। जय माता दी।